एबीपीएस न्यूज। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ा ब्लॉक ठाकुर द्वारा न्याय पंचायत रतुपुरा स्थित ग्राम ख्वाजपुर धनतला पड़ा। लगभग 3500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मात्र 16 किलोमीटर ही है। गांव में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्रधान द्वारा गाँव में सफाई कर्मी भी तैनात किए गए हैं, तो वहीं इस ग्राम पंचायत में कुल वोटरों की संख्या लगभग 1650 नजर आती है। ग्राम प्रधान द्वारा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को लाभ भी दिया जा रहा है। बात अगर ग्राम प्रधान के कार्यों की करें तो उनके द्वारा ग्राम में लगभग 400 मीटर सीसी रोड का निर्माण करवाया गया है। उनके द्वारा 300 मीटर नाली का निर्माण भी कराया गया है। इसी के साथ पात्रों को 140 शौचालय व 8 आवास भी आवंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में रिपेयरिंग कार्य भी उनके द्वारा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि गांव को शौच मुक्त बनाने के उद्देश्य से व सरकार की स्वच्छ भारत मुहिम में भागीदार बनने के उद्देश्य से उन्होंने पात्रों को ये इज्जत घर यानी कि शौचालय वितरित किए हैं। बात अगर शिक्षा की करें तो इस गांव में लगभग 150 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते नजर आए, तो वहीं गांव में लगे हुए बिजली के पोल और बिजली के ट्रांसफार्मरों की कुल संख्या 15 नजर आती है, जो बिजली की व्यवस्था को बेहतर बताती है। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव में पानी की पूर्ति करने के लिए लगभग 23 हैंडपंप लगवाए गए हैं, लेकिन अभी 10 और हैंडपंपों की सरकार से मांग है। मैं अमर सिंह चौहान, ग्राम प्रधान ख्वाजपुर धनतला। सबसे पहले मैं अपने प्रधान संगठन और अपने गाँव वासियों को नमन करता हूँ। इसके साथ साथ मैं एबीपी न्यूज वालों को भी नमन करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। डीके साहब, मुझे जो गाँव वालों ने प्रधान चुना है, बड़ी उम्मीदों के बाद प्रधान चुना है, क्योंकि इससे पहले वाले प्रधानों ने जो कार्य किया उससे लोग वाक संतुष्ट नहीं थे। आज मेरी जो सोच है, मेरी सोच ये है कि मैंने जो जो पहले खराब रास्ते थे उनमें सबसे सब में RCC बनवा दी है। यहाँ तक कि ये जो रास्ता था इसमें कभी हिंदू मुसलमान दोनों के कब्रस्तान और समदान इधर ही है, इधर निकल के मुर्दे को लेकर निकला भी नहीं जाता था। आज सब लोग इस बात से मेरी बहुत खुश हैं और ये मैं चाहता हूँ कि पूरे गांव को, पूरे मेरे दो गांव पड़ते हैं मेरी ग्राम पंचायत में, मैं चाहता हूँ कि इनको जो है पूरे गांव को एक तरह से स्मार्ट गांव का दर्जा दिलाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी मेरी शासन से कई बार और अपने ब्लॉक स्तर से, जिला लेवल से भी मेरी बात हुई है और मैंने पंचायत घर का, आंगनबाड़ी का इनके प्रस्ताव भी भेज चुका हूँ और मेरे गांव में शमशान घाट नहीं है उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ, पंचायत घर नहीं है उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। मेरे यहाँ कोई अस्पताल जो जो कि आदमी अपने को दिखा सके या कोई भी पशु अस्पताल नहीं है, उसके लिए भी मैं बराबर मांग अपने ब्लॉक लेवल से और जिला लेवल से करता रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा गांव, कोई घर ऐसा ना हो जो इस लायक है कि जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं के सबके आवास बनवाए जाएं। और मैं लगभग अभी तक 140 शौचालय बनवा चुका हूं और अभी मुझे करीब 40-45 शौचालय की डिमांड मैंने और दी है, और वो भी मुझे उम्मीद है कि मैं फरवरी में अपने गांव को ODF घोषित करा दूंगा। और जो अभी हैंडपंपों की कमी है मेरे गांव के अंदर, करीब 15-20 हैंडपंप की ज़रूरत है, उनके लिए भी मैं बराबर प्रयास कर रहा हूं। और जो भी जो जिस तरह की भी कोई बात होती है मैं गांव वालों का सहयोग लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि गांव वाले मुझे सहयोग करें और मैं उनका साथ दूं और उनके विश्वास पर खरा उतरूँ। नमस्कार, मेरा नाम महेश कुमार है, मैं प्राथमिक विद्यालय ख्वाजपुर धनतला प्रथम का प्रधान अध्यापक हूँ। यहाँ पर आप जितना भी देख रहे हैं, विद्यालय की पुताई है, फर्श की मरम्मत है, ये हमारे गांव के प्रधान श्री अमर सिंह जी द्वारा कराया गया है। प्रधान जी समय समय पर हमें अच्छा पठन पाठन के लिए दिशा निर्देशन देते हैं। विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना ये प्रधान जी के सहयोग से ही बनाई जा रही है। और जब भी हमें कोई परेशानी होती है कि गाँव की वजह से या गाँव में कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो प्रधान जी हमें पूरा सहयोग देते हैं। हम प्रधान जी का इस बात के लिए हार्दिक स्वागत करते हैं कि प्रधान जी ने हमारे यहाँ पर इतना अच्छा काम कराया है